अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस समारोह को देश में पहचान प्राप्त कर देने वाले माननीय श्री राहुल जी गांधी, अत्यंत आदर भाव से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। आधुनिक राजकारणाला लोककल्याणकारी आणि सामाजिक न्यायाचा चेहरा देणारे देशाचे खंबीर नेतृत्व भारत जोडो यात्रेतून काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि मणिपूर ते मुंबई हा पायी प्रवास करून जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी को शिवाजी महाराज की प्रतिमा दी गई। इस दौरान राहुल गांधी ने जिस आदर भाव और सम्मान का परिचय दिया उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। राहुल ने प्रतिमा हाथ में लेने से पहले अपने जूते उतारे और फिर हाथ मूर्ति ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस समारोह को देश में पहचान प्राप्त कर देने वाले माननीय श्री राहुल जी गांधी, अत्यंत आदर भाव से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। आधुनिक राजकारणाला लोककल्याणकारी आणि सामाजिक न्यायाचा चेहरा देणारे देशाचे खंबीर नेतृत्व भारत जोडो यात्रेतून काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि मणिपूर ते मुंबई हा पायी प्रवास करून जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज की। बता दे, राहुल गांधी ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा, लोगों को भयभीत कर और देश के संविधान और संसाधनों को बर्बाद करके शिवाजी महाराज के समक्ष शीश झुकाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे पहले राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए सिंधु दुर्ग जिले के राजकोट किले में मराठा शासक की स्थापित प्रतिमा के ढहने को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा सही नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा, लोगों को भयभीत करने, देश के संविधान और संसाधनों को बर्बाद करने के बाद शिवाजी महाराज के समक्ष शीश झुकाने का कोई औचित्य नहीं। कि मैं शिवाजी महाराज की को मानता हूं तो आप उससे पूछिए, आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान की संस्थाओं को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस नेता की टिप्पणी स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर की गई, जिन्होंने शिवाजी महाराज और उनकी प्रतिमा ढहने से आहत लोगों से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम या राजा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट जिले में 35 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर किया था, जो 26 अगस्त को ढह गई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का दुनिया को संदेश था कि देश सबका है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान उस योद्धा राजा के विचारों का प्रकटीकरण है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू महाराज जैसे लोग नहीं होते तो संविधान भी नहीं होता। दूसरी ओर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नफरत मुक्त बनाने के लिए 65 सामाजिक संगठनों ने साथ आकर सजग रहो अभियान शुरू करने का फैसला किया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कहा कि ये देखा गया है कि राज्य में व्यवस्थित रूप से जातिगत नफरत पैदा की जा रही है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की सफल लड़ाई में सभी जातियों और पंथों के लोगों को एकजुट करने का समृद्ध इतिहास रहा है। ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं शिवाजी महाराज की। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, मूर्ति जब बनाई जाती है, जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं, हम यहां आए या कोई यहां आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी, और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं। तो जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे,
उनके जितना नहीं शायद हम ना कर पाए, मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए। शिवाजी महाराज जी ने देश को दुनिया को क्या मैसेज दिया था? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देश सबका है, सबको लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना है। तो अगर हम सोचें कि इनकी सोच का जो आज कौन सा चिन्ह है, तो यह है। सीधा सा डायरेक्ट, सीधा सा कनेक्शन है। जो शिवाजी महाराज ने कहा, 21वीं सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है वो ये है। इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो नहीं लड़े थे। पूरी जिंदगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कर्म किए, उन्हीं की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो यह नहीं होता। मतलब सीधा कनेक्शन है। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो के जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए।